लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और भिलाई में नकदी का मिलना शुरू हो गया है। भट्टी पुलिस व एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार की डिक्की में 2.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की है। भिलाई के सेक्टर 1 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने से 2 संदिग्ध वाहनों की सूचना पुलिस को मुखबिर से मिली थी। दरमियानी रात थाना भिलाई भट्टी एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम को एसबीआई बैंक के पास सेक्टर 1 भिलाई में 2 कार संदिग्ध अवस्था में होने की सूचना मिली। सूचना के बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी की और सेक्टर 1 एसबीआई बैंक के पास खड़ी कारों की जाँच शुरू की। पुलिस को मौके पर ब्रेजा वाहन क्रमांक CG07CM4883 व क्रेटा वाहन CG07BX6696 में सवार 3 व्यक्ति मिले। इन लोगों ने अपना नाम गोविंद चंद्राकर, विशाल कुमार साहू तथा पंकज साहू बताया। इनके वाहनों की तलाशी लेने पर क्रेटा वाहन क्रमांक CG07BX6696 की डिक्की में भारी मात्रा में नकदी रकम बरामद किया गया। उक्त रकम के संबंध में पूछताछ करने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। नकदी के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाए गए हैं। इसे धारा 102 CRPC के तहत जब्त किया गया। पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी है। क्राइम एडिशनल SP अनुराग झा ने बताया कि कल देर रात में पुलिस गश्त के द्वारा सेक्टर 1 SBI बैंक के सामने 2 संदिग्ध वाहन दिखाई दिए और आसपास के जो लोग खड़े थे वो संदिग्ध नजर आए। पुलिस ने जाकर पूछताछ की तो उनकी गाड़ी में 2.64 करोड़ रुपए रखा हुआ था। तुरंत रकम को जब्त कर तीनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आगे की पूछताछ की जा रही है। कल रात दरमियानी रात मतलब 30 और 31 जनवरी की बीती रात में हमारी भट्टी थाना की और SSU की जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो रूटीन अपने गश्त में थी और उसी बीच उनको सेक्टर 1 SBI बैंक के पास में कुछ 2 संदिग्ध वाहन दिखाई दिए जिसमें कुछ लोग आसपास में ही खड़े थे और ऐसा लगा हमारी टीम को देखने से कि कुछ सामान को इधर से उधर कर रहे हैं उन लोग। तो फिर वहाँ पे घेराबंदी करके उनको रोके, पूछताछ किए तो फिर पता चला कि उस वाहन में भारी मात्रा में कैश रखाया हुआ है। तो फिर बाकी फिर आगे की कार्रवाई के लिए उनको थाना भी लाया गया और फिर जब बाकी पूरी जांच पड़ताल हुई तो पता चला उनके पास लगभग 2.64 करोड़ रुपए के करीब नकद थे उस समय। और जब पूछा गया तो कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया, ना किसी प्रकार का दस्तावेज दिखाया गया उक्त रकम के संबंध में कि पैसा कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है। तो 3 लोगों को उस सिलसिले में थाने लाया गया था जो गाड़ी में थे उस समय, एक गोविंद चंद्राकर, एक विशाल साहू और एक पंकज साहू, 3 लोगों को। और फिलहाल अभी जो कैश है उसको जब्त किया गया है CRPC 102 में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी उसकी सूचना दे दी गई है। फिलहाल अभी जो है सिर्फ ये पता चला है कि उसमें जो एक गोविंद चंद्राकर था वो इस पैसे को मतलब मंगवाया था, उसकी कार से मिला भी हमको। बाकी तो अब जांच में पता चलेगा कि पैसा का एक्चुअल में सोर्स क्या था और कहां से आ रहा था, तो वो जांच का विषय भी कर रहे हैं उसमें जांच, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचना दी है तो वो भी आगे उसमें जांच करेंगे। नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया है, अब जांच में ही पता चल पाएगा जो भी चीजें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।